स्वागत है दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे वाटरफॉल की यात्रा पर जो आज भी प्रकृति की गोद में शांत और अनछुआ है। इस यात्रा में हम जानेंगे इस सुंदर स्थल के बारे में और देखेंगे इसकी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता। तो चलिए निकलते हैं इस रोमांचक सफर पर। जामवाला वाटरफॉल, जिसे स्थानीय लोग जमजीर के नाम से भी जानते हैं, जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के करीब कोड़िनार दारी हाईवे पे कोड़िनार से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है वेरावल, जो लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। गिर जंगल शासन से इसकी दूरी है मात्र 48 किलोमीटर की। शासन गिर से यहाँ तक पहुँचने के लिए निजी वाहन या टैक्सी का उपयोग किया जा सकता है। यह स्थान मुख्य सड़कों से थोड़ा हटकर है, जिससे यहाँ की यात्रा एक रोमांचक अनुभव में बदल जाती है। वहीं अगर आप आना चाहते हैं सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंगा से, तो इसके लिए आपको दूरी तय करनी पड़ेगी 53 किलोमीटर की। वाटरफॉल के पास में ऋषि परशुराम के पिता श्री जमदगिनी जी का आश्रम भी है। इसी जगह पर उन्होंने काफी वर्ष तक तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर से इस वाटरफॉल का नाम पड़ा है, जमजीर वाटरफॉल। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन ट्रेकिंग का ये अनुभव काफी आनंददायक होता है। चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधों के बीच चलते हुए आपको लगता है जैसे आप प्रकृति की गोद में आ गए हैं। यह स्थान अपने शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे प्रकृति प्रेमी और ट्रेकर्स के लिए एक लोकप्रिय स्थल बनाता है। जमजीर वाटरफॉल स्थानीय जीवन का एक अभिनव हिस्सा है और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यह वाटरफॉल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। काफ़ी सारे अकस्मात यहाँ पर हो चुके हैं, तो आप जब भी यहाँ पर आएँ अपनी केयर अवश्य करें, क्योंकि मानसून के टाइम पर यहाँ पर फिसलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। जामवाला वाटरफॉल अपने स्वच्छ पानी के लिए जाना जाता है। इस वाटरफॉल की यात्रा के लिए सबसे उचित समय है मानसून, जब ये वाटरफॉल अपने चरम पर होता है और हरियाली अपने पूर्ण रूप में होती है। यह समय होता है जुलाई से दिसंबर तक का, तब ये वाटरफॉल अपनी पूरी शान में होता है और पानी का बहाव अत्यंत तेज हो जाता है। चारों ओर हरियाली और वन्य जीवन की उपस्थिति इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यहाँ आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और आसपास के प्राकृतिक नज़ारा का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ की ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। यहाँ की खास बात यह है कि यह अभी पर्यटकों की अधिक भीड़ से अछूता है, जिसे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद बिना किसी रुकावट के लिया जा सकता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जमजीर वाटरफॉल से 5 किलोमीटर की दूरी पर घाटवड़ रुद्र पार्थी आश्रम के पास रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर हाल ही में विश्व के सबसे ऊँचे 153 फीट के त्रिशूल को स्थापित किया गया है। आप आते हैं वेरावल या फिर शासनगिर से, तो जमजीर वाटरफॉल से 4 किलोमीटर की दूरी पर गिर जंगल के मध्य में स्थित है 7 महादेव मंदिर, जहां पर आप देख पाएंगे 1 महादेव के 7 शिवलिंगों को। आप अगर भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो इन प्लेसेस की विजिट आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी। जब भी आप सौराष्ट्र की यात्रा पर हो, तो इन छुपे हुए खजानों की विजिट अवश्य करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी नए प्लेस पर नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।